भागना मैं स्पॉट। तुम तो नहीं हो भाई। चुप हो जाओ खोचू, कॉमिक बुक पढ़ने वालों से मैं क्या बहस करूं? अरे शायद इसमें ही कोई प्लान मिल जाए, तुम्हारे प्लान तो वैसे भी कभी काम नहीं करते। इस लंबू चांद को चुप हो जाने कह दो वरना। बेटा मैंने क्या कहा था? तुझे बाप को देख लूंगा। दूसरे ग्रह से आया, मैं शांति का संदेश लाया। ये तो शायर निकला। अरे वाह, मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ। पहले इस प्लैनेट को थोड़ा पढ़ लो। मिलकर अच्छा लगा, हम निकलते हैं। अरे सुनो, सुबह नाश्ते में खीर है। अरे खीर? क्या ये तुम्हारा साथी है? तुम एक्सपर्ट होते जा रहे हो डाल्ट। अरे नहीं, हम इसे नहीं जानते। ये तो एक एली। ये हमारा साथी है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। कुछ गड़बड़ है, इसे पहले कहीं देखा है? डाल्टन, जो डाल्टन, और तुम स्लीप बड्डू गधे बोलो। क्या तुम्हारा नाम होगा रिम जिम? बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ। अपने मिशन को भूल जाओ, मेरे पास उससे भी बहुत अच्छा आइडिया है, असली एडवेंचर। तुम्हारी उस गाड़ी में और कितनी सीट्स हैं? मैं यहाँ एक मिशन पे आया हूँ, मुझे इस प्लेनेट को स्टडी करना है। ये बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहा है घनचक्कर? मुझे बस तुम्हारी गाड़ी चाहिए। पहले हमें सीख लेना चाहिए कि इसे चलाते कैसे है। ठीक है, पहले इसकी मदद करेंगे फिर इसकी मदद लेंगे। ये देखो, इसको बोलते हैं फ्लैश। ये पलंग, ये खिड़की, दरवाजा, दीवार, और ये एक गंदा मजाक है। ओह थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये लड़की है। मुझे पक्का लगता है कि इसे पहले कहीं देखा है। चलो बता दिया सब कुछ, क्या अब हम जा सकते हैं? बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? स्पेसशिप की इंजन ढीली हो गई है। एवरल अपनी चड्डी दो। असली एडवेंचर शुरू किया जाए। लेकिन प्लान में अब कुछ बदलाव है। पता नहीं ये कैसे उड़ता है। हम तुम्हें साथ लेना तो भूल ही गए रिम जिम। वैसे बताओ ना, तुम्हारी ये गाड़ी चलती कैसे है? तुम्हें एंटेना वाली टोपी पहननी होगी, फिर तुम जैसे सोचोगे वैसे स्पेसशिप उड़ेगी। ये है वो एंटेना वाली टोपी, इसे अच्छे से पहननी है बस। ये तो बहुत का खेल है। I'm sorry, देखो मैं फिर से तुम्हें भूल गया। अब सोचो। ये देखो उड़ा, ये उड़ा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये कोई मिल गया। उसने ऐसे 12 जेल उड़ा दिए हैं। उसे पागल खाने भेजना होगा, इससे पहले यहाँ धमाका हो उसे ढूंढो। शायद देर हो गई। डाल्टन भाग रहे हैं, सभी आजाद हो गए। स्टोर रूम में मिला है जेलर साहब। दूसरे ग्रह से आया, शांति का संदेश लाया।
तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है बाबू पांडे। मैं जानता हूँ तुम कोई एलियन वेलियन नहीं। दूसरे ग्रह से आया, शांति का संदेश लाया। पहले हम हमारा काम करवा लेते हैं। ये पीछे क्यों जा रहा? भाइयों, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सोचो सोचो, जोर से सोचो, जोर से। भाइयों, मैं भी अपना दिमाग लगाता हूँ। तुमने ही कहा था ना भाई कि कटर चोरी करके लाओ। मैंने कटर बोला था, नेल कटर नहीं। सुनो, मेंटल हॉस्पिटल से एक साथ 20 पेशेंट्स हुए फरार। इस महीने में हुई तीसरी घटना, प्रशासन चिंतित है। ये तो बहुत ही सिंपल आइडिया है। हम पागल होने की एक्टिंग करते हैं और मेंटल हॉस्पिटल चले जाते हैं। चलो भागो यहाँ से, निकलो बदतमीज शेरू, चलो। तुम्हारी शक्ल मेरी नाक से बहुत मिलती जुलती है। भाई लोगों, एक मस्त वाला आइडिया आया है। एक्सक्यूज मी, यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे अनजान डॉगी को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये जेल मेरे लिए सुरक्षित है ही नहीं। मैं जा रहा हूँ अपने एलियन प्लैनेट पर। कम अकल, हम डॉग्स और डॉग्स भोगते हैं, समझे? सॉरी। लगता है कि एगो प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारा मतलब है चार प्रॉब्लम्स क्या? इनको हड्डिया दे देता है सर, जेल का राशन बन जाएगा। ये पागलपन जेल के लिए सही नहीं है, इन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। मैंने साइकोलॉजी का डिप्लोमा किया हुआ है, वक्त आ गया है उसे इस्तेमाल करूं। अगर ये ठीक हो गए तो जेल को संस्कारी पब्लिसिटी मिलेगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, वरना ये जाएंगे मेंटल हॉस्पिटल। मेहमान भगवान समान होता है, पर डाल्टन समान नहीं। बस एक ही दिन की बात है शेरू, मुझे तुम्हारे कुछ संस्कारी टेस्ट लेने होंगे। बता सकते हो ये क्या है? ओके, और ये सही, और ये वाला? असंस्कारी, असंस्कारी। ये टेस्ट लेते रहे तो हम निकल नहीं पाएंगे, पागलपंती बढ़ाते हैं। तैयार भाइयों, तो हो जाए। ए, मेरा खाना खाने की हिम्मत कैसे की तुमने? वो बेचारा जो बुरी तरह पिटेगा, लगी बीस की लाख गए। बस यही रुक जाओ, वो बहुत बीमार है। ए, 100 फुट को 1 फुट का कर दूंगा। गुस्से में आकर हिंसा करना ये हमारे संस्कार नहीं है, समझे? पेशेंट की मदद करना यही हमारे संस्कार हैं।
तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ये जेल? तुम मेरी मेहमान नवाजी का फायदा उठा रहे हो? हाँ जानते हैं हमारे संस्कार नहीं है। जाओ और ये बॉल लेकर आओ। इनका पागलपन खत्म हुआ कि नहीं? नहीं अभी नहीं, लेकिन सही इलाज के साथ ये एक हफ्ते में फिर से संस्कारी हो जाएंगे। तुम सब मेंटल हॉस्पिटल जाओगे कल। चलो अब सो जाओ सबके सब। मिशन पागल खाना सक्सेसफुल। देखो बेचारों की क्या हालत हो गई है। मैं अभी भी इनका इलाज कर सकती हूँ। हार ना मानना यही हमारे संस्कार है। मेंटल हॉस्पिटल। चलो उठ जाओ डाल्टन्स, मैं तुम्हें यहाँ से भगाती हूँ। चलो जल्दी। क्या 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 मतलब? हमने तो मदद नहीं मांगी। मैंने गार्ड को बेहोश कर दिया है। जल्दी चलो, हमारे पास टाइम कम है। तुम लोगों को उस असंस्कारी पागलखाने नहीं जाने दूंगी। जादूगर जोजो जादू से तुम्हारी मदद करेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। कोई जादू हमें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग पागल हैं। हमें पागल ही रहने दो। वाह वाह वाह। तुम अपने संस्कार भूल गए जो। तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे पागल टिंगू चंद। मैं पागल नहीं हूँ, तू पागल है। मुझे बस यहाँ से भागना है। हम पागल नहीं है समझे? पागल नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम पागल नहीं है, या, 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 हम पागल नहीं है समझे क्या? हम पागल नहीं है, नहीं है पागल। हम पागल नहीं है, नहीं है पागल। हम समझे क्या? हम पागल नहीं है। ओए नहीं है, पागल नहीं है। और एक बार बोलो तो जरा। मुझे पता था ये ठीक हो जाएंगे, मेरे संस्कार काम आए। तुमने कर दिखाया मिस बेटी, डाल्टन मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। एक तो सारा जेल उनकी मेहमान नवाजी कर रहा है, क्या बात है। जेलर साहब, जादूगर जोजो मुझे बता रहे थे कि गांव के लोगों की जेल में कितने अच्छे संस्कार होते हैं। जेल में ना सलाखें हैं, ना कोई चेन से बंधा होता है, सब आजाद होते हैं। ये अपने संस्कारी कैदियों पर भरोसा करते हैं और कोई कैदी इनका भरोसा नहीं तोड़ता। सक्सेस रेट 98.72%। अगर हम हमारे कुछ कैदी इनके जेल में भर्ती कर दे तो सोचिए उनमें कितने नए संस्कार आएंगे। मेरा प्रमोशन होगा क्या? हाँ कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये वही ना बात, ये हमें खुला छोड़ देंगे और हम उसका फायदा उठाएंगे। मैंने सुना है यहाँ पत्थर नहीं तोड़ने पड़ते। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूँ। बेटी तुम्हारे लिए नया नौकर लाया हूँ मैं। मुझे लगा मेरे प्लैनेट वापस जा रहे हैं। लंबा रास्ता है तो शायद खाना खाने रुके हैं। तो ये नए नौकर अच्छे तो हैं ना? 11 मैं नौकर नहीं हूँ, एक डाल्टन हूँ। कोई शक? बातें कम और काम ज्यादा, समझ में आया या नहीं तुम्हें? भैया काम करते करते कट लो। Yeah!
क्या कोई हम अंधों को रास्ता दिखाएगा कृषक? शायद रास्ता इतना लंबा है कि आज की रात यही गुजारनी पड़ेगी मुझे। चला ये कपड़ा तो बहुत ही कड़क है, ये ऐसे नहीं फटने वाला। तो इसको नरम कैसे करें? हाँ, इससे चबाना होगा। टेस्ट तो अच्छा है जो, थोड़ा कपड़ा पार्सल कर ले, आगे काम आएगा केचप के साथ। ये अब जाके खुला है, इसके अंदर छुप के चला। तुम सब मेरे बिना क्यों जा रहे हो? इन लोमड़ियों की चाल कुछ अलग नहीं लग रही। पहले सब नाश्ता करेंगे फिर हम निकलेंगे, ठीक है? ये लो, इन्हें अब पालतू जानवर बना लो। लेकिन अब गांव में सिर्फ एक ही बचा है और वो बहुत खतरनाक हो गया है। हम वो भैंस ले आते हैं, आप निश्चिंत होकर रिलैक्स हो जाइए। यही रुको, देखो और कुछ सीखो। घनचक्रो जल्दी करो वरना हमारी बस मिस हो जाएगी। आपको लगता है ये जिंदा वापस आएंगे? ये पूरा गांव आज रात तक रिनोवेट हो जाना चाहिए, समझे तुम? बस बहुत हुआ, हम हमारे जेल वापस जा रहे हैं। मुझे पत्थर भी तोड़ दे हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ का रिनोवेशन कर लेते हैं ना। गुड न्यूज़, तुम यही रहोगे। अभी मुझे जेलर साहब ने कहा है कि तुम्हारा सेल किसी और को दे दिया गया है। अच्छी बात है। यार, इतना सारा काम मैंने अपनी लाइफ की जिंदगी में कभी नहीं किया। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? बाहर निकलो। तुम चारों ने मिलकर मेरा रूम एकदम साफ कर दिया है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे गंदगी में रहना पसंद है, इसलिए मैं अपना काम खुद करूंगी। निकल जाओ। दरवाजा खोलो इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल दे। वाह, हमारा पुराना वाला सेल, कोई शक नहीं। वही बॉल और वही चेन। मेरा एक सवाल है, हम वहाँ से जब भाग ही गए तो यहाँ क्यों आ गए? यार, सवाल है क्या? चलो सो जाओ चुपचाप। ये लॉन्ड्री मशीन जरा जैम हो गई है, हमें एग्जॉस्ट पाइप को साफ करना होगा। hey.
अब हो गई लॉन्ड्री मशीन पूरी तरह से साफ। एक ग्रिल डाल्टन कबाब तैयार, कड़क। वो आसमान में क्या दिख रहा है? गांव वालों ने हम पर हमला बोल दिया है, हम सब की जान खतरे में है। आ गए, मिलिट्री सही वक्त पर आ गई, कमाल हो गया। अजी सीनियर मिलिट्री ऑफिसर सिंह दुश्मनों से बचाने को आ गया है। लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ है? 3 दिन से गायब है। 3 दिन? 3 दिन में तो वो 30 बार हमला बोल देंगे। फिक्र नहीं, मैं तो डिग्विजय कैदियों को एक सशक्त सेना में बदल दूंगा। क्या तुम सच में इन कैदियों को सिपाही बना पाओगे? मुझे मेरे हाथ दांव पे लगाता। मैं गांव के लोगों के साथ बहुत बार लड़ा हूँ और जिंदा वापस आया हूँ, थोड़ी सी क्रोच के साथ डेमो दिखाता हूँ। ओए तू दड़ियल सुन तो। कौन मैं? गांव का आदमी बन जा। गांव का आदमी? गांव का आदमी बन जाओ। ए! जिंगा लाला जिंगा, जिंगा लाला जिंगो। लॉजी शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। डिसिप्लिन, सावधान, बाय मुड़ेंगे, बाय मुड़, एक दो, एक दो, एक दो। मैं जानता हूँ मेरे एलियन दोस्त मुझे लेने वापस आ गए हैं। क्या तुम मेरे एलियन दोस्त के मैसेंजर हो? करो है, सावधान, अद्धे दाए मुड़ेंगे, दाए मुड़, पैर सीधे, कपड़े भी सीधे। ओए मेरे सैनिकों, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्या तुम तैयार हो? कुछ को कुछ सुनाई नहीं दिया? यस सर, हम तैयार हैं। सर, हमें लड़ाई करनी है लेकिन हमें हथियार चाहिए सर। ब्रावो, ओए, एक बच्चा जिसे लड़ना पसंद है। चिंता मत कर, तुझे हथियार मिल जाएगा, इससे तुम्हें बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचेगी। तुम सबको बहुत ही शक्तिशाली बना दूंगा। अरे वाह, इस पिकनिक में तो गेम्स भी हैं। वाह जो, तुम तो जीत गए। इस पत्थर को ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे बस यही तुम्हारा हथियार हो, समझ गए ना बच्चू? हो जाओ, अपने साथियों के साथ बैठ जाओ। ओए तुम चारों कहाँ जा रहे हो? बाहर कतरा है, चलो अंदर आ जाओ। नहीं बस अब बात हुआ, उस ऑफिसर को लड़ाई करने का शौक है ना? धुआ कहां से? लॉन्ड्री जला दी, गांव वालों ने हम पे हमला कर दिया। हमारे हमें भी साथ में ले चलो। ये मत सोचना कि मैं डरपोक हूँ, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ ताकि मैं जेल के पैसे बचा सकूँ। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तुम लोग हमारी पार्टी बिगाड़ रहे हो जबकि हमने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। इतना धुआं धुआं क्या है?
क्या कहा, पार्टी? कैसी पार्टी? हर साल हम हमारे बहादुर निडर पूर्वजों का शुक्रिया अदा करने के लिए एक पार्टी रखते हैं। ओए, तुम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे क्या? नहीं नहीं, जरा जरा सिर्फ पार्टी, सिर्फ पार्टी, आना है तो आ जाओ। अगर गांव के लोगों ने लॉन्ड्री में आग नहीं लगाई तो किसने लगाई? हमें क्या पता था बिटिया को लड़का पसंद आ जाएगा। अरे तुम्हारी बहुत याद आती है, सुबह दोपहर शाम मम्मी। ये मम्मी की स्पेलिंग क्या है मुझे नहीं मालूम। क्यों? मुझे माँ को लेटर लिखना है, कल पोस्टमैन आ रहा है ना, माँ को लेटर। तुम्हें मस्त वाला आइडिया आया है। मौसम इस बैग में छुप जाना, फिर कल पोस्टमैन हमें यहाँ से दूर लेके जाएगा। प्लान समझ में नहीं आया, फिर से समझाओगे? ज्यादा सोचो मत, अंदर छुप जाओ वरना गलत स्टैंप लगा दूंगा। लगता है किसी ने इनको किडनैप कर लिया है, मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए। हाँ तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा भाइयों, फिर तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द मिलेगी आजादी। जाकी चिकी, उस गाड़ी में कुछ जरूर मिलेगा। आक्रमण। मैं हूँ डाकू ढकीला, चोर लुटेरा गुंडा, सब कुछ मेरे हवाले कर दो। मुनी लेकिन क्या हवाले कर दूँ, गाड़ी में तो बस लेटर्स ही लेटर्स हैं। चंगू मंगू बम से उड़ा दो। तेरे पास बम है क्या चंगू? ओ नहीं मैं मंगू, बम तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है ना, तुम ही देखो। ढक्की चिक्की, कहाँ जाके फंस गया हूँ मैं? हथियार नहीं है तो ये गाड़ी हम कैसे लूटेंगे बताओ। मुनी ये लो चाबी। चाबी से? चाबी से? मैं डाकू ढकीला हूँ, डाकू ढकीला, मेरी भी कोई इज्जत है। ढक्की चिक्की, इस गाड़ी को अपने अड्डे पर ले चलते हैं। चंगू, ये तो लुटेरा कोई लूट रहा है। ए, ये हट्टा कट्टा जोकर हम सबको कहाँ ले जा रहा है, कहीं ये किताब पर तो नहीं है? मणि मैंने कहा था ना सिर्फ लेटर्स होंगे। की तेरे लेटर्स आउच बोलते हैं क्या? मणि मुझे नहीं पता था पार्सल भी है इसमें। ढक्की चिक्की तू कौन है? हम लोग भी चोरी है, अभी अभी जेल से भाग गए। ढक्की चिक्की, तुम सब मेरे कब्जे में हो। तुम अपने भाई के साथ ऐसा करोगे क्या? करूंगा, तुम्हें वापस ले जाऊंगा, मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। वापस जेल? आसमान से गिरे खजूर पे अटके। कहाँ चले गए? उन पिगी से पूछता हूँ, उन्होंने कहीं देखा है क्या? हेलो मिस्टर पिगी, क्या आपने आजू बाजू में कहीं चार पांच जोकरों को देखा है क्या, बताइए। कहाँ फंस गए? अरे जो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। Oh, yeah.
हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मेरा हाथ खोल दो, फिर बताता हूँ। कुछ ज्यादा ही बोल दिया तुमने। मणि कितनी अच्छी बंदूक है, पता है मैंने कभी लाइफ में बंदूक देखी ही नहीं थी। तू अभी देख ले। खोल दो प्लीज। मणि ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, लेटर्स के लिए कर रहा हूँ, समझे क्या? मैंने सच में पहली बार आज बंदूक देखी है। लाइफ में बहुत कुछ पहली बार ही होता है। वो रहे, मिल गए। थैंक यू। लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। चलो भाइयों जाते हैं। वापस आ जाओ, तुम मेरे पार्सल हो, मुझे तुम्हें पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करना है। पोस्ट ऑफिस? रास्ते में खाना मिलेगा क्या? जानते नहीं हो कि हम कौन है, कोई शायद। पहली बार बंदूक देखी है लेकिन चलाने तो आती है, शायद मुझे करियर चेंज करना है। ये सब मेरे कैदी हैं। नहीं नहीं, ये मेरे पार्सल है। अरे तुम सब समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे कैदी हैं। मेरे पार्सल है। मेरे दोस्त है। मेरे कैदी। लगता है हमारी डिमांड काफी बढ़ गई है। बॉस, आपकी वाइफ ने आपको जल्दी घर बुलाया है, जल्दी चलिए ना। मैडम बहुत ही गुस्से में थी बॉस। डक्की चिक्की, लूटपाट बाद में, पहले जान बचाते हैं। मैं चलता हूँ दोस्तों। सुनो, ये चोरी चकारे का डिप्लोमा कहाँ होता है बताओ? तुम तो रहना ही तो बुरी तरह से फेल हो जाओगे। एक इज्जतदार जेलर होने के नाते मैं तुम्हें इन पार्सल से मुक्ति देता हूँ, अब तुम चुपचाप इन्हें मेरे हवाले कर दो। मणि ठीक है, ले जाओ। टक्की चिक्की, टक्की चिक्की, टक्की चिक्की। ये बहुत जल्द अपनी जेल में आएगा। तुम लोग के लिए चिट्ठी आया है। पोस्टमैन ने लिखा है, लिखता है कि उसने ट्रेन लूटना चालू कर दिया है, कहता है कि करियर गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा डाकू फटीला। मजा था डाकू फटीला।